हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं इसका मतलब किसी भी प्रोसेस में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है लेकिन फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये नहीं बताता है कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा इसलिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इनकम्प्लीट है तो थोड़ा आप लिखिए लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स लिमिटेशंस लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखो बच्चों फर्स्ट लाफ थर्मोडाइनामिक इज आल्सो नोन नई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोट किसी भी प्रोसेस में टोटल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए इसका मतलब वाटर शुड फ्लो वाटर शुड फ्लो फ्रॉम लो लेवल फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल लो लेवल से हाई लेवल की ओर वाटर को जाना चाहिए और टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए दूसरा विंड शुड ब्लो फ्रॉम लो प्रेशर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर हाई प्रेशर तीसरा आप ले लीजिए Heat must flow, yeah, heat should flow. Heat should flow from low temperature to high temperature to high temperature and and एंड द टोटल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी शुड रिमेन एंड द टोटल एनर्जी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट ये सभी प्रोसेस होनी चाहिए और टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए आप इसको लिख लीजिए नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो लिख लेंगे एंड द टोटल एनर्जी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट ये जो ऊपर से हम तीन प्रोसेस बताए हैं तीनों प्रोसेस होना चाहिए और तीनों प्रोसेस में टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है ये तो बात है लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लेकिन जो तीनों हम प्रोसेस बताए हैं तीनों प्रोसेस होता ही नहीं है बट बट द एव थ्री प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस आप लिखिए But the above three process does not take place. But the above three process does not take place. But but the above 3 but the above 3 process does not, but the एव three process does not take place. does not take place. ये तीनों process नहीं होते हैं क्यों इसका मतलब क्या है फर्स्ट लाइफ थर्मोडा बोल रहा है कि किसी भी प्रोसेस में टोटल एनर्जी कंजर्व हो रही है लेकिन कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा इसके विषय में फर्स्ट लाइफ थर्मोडाइनामिक्स कुछ नहीं बोलता है तो इट मीन्स इट मीन्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स थर्मोडाइनमिक्स इज इनकम्प्लीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज इनकम्प्लीट इट डज नॉट does not tell yeah it does not describe about the about the direction of the process about the direction of the process किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा और किस डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं होगा या कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा इसके विषय में फर्स्ट लाफ थर्मोडाइनॉमिक्स कुछ भी नहीं बोलता है तो इसलिए हम इसको बोलते है कि है, कि हैं कि फर्स्ट लाफ थर्मोडाइनमिक्स इनकम्प्लीट है क्योंकि जो तीन हम एग्जाम्पल दिए हुए थे तीनों एग्जाम्पल टेक प्लेस नहीं करते हैं तो देखो बच्चों तो इसको इस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए इस समस्या को रिमूव करने के लिए एक टर्म आया एंट्रोपी 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 क्या है बच्चों एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सब्सटेंस और मालिकुल्स कोई मालिकुल कितना डिसऑर्डर्ड है इसके मेजर को ही हम क्या बोलते हैं एंट्रॉपी बोलते हैं इट इज डिनोटेड बाई लेटर एस इसको एस से डिनोट किया जाता है अब देखो जैसे हमारे पास सिस्टम है गैस है लिक्विड है सॉलिड है और क्रिस्टल है तो सबसे डिसऑर्डर्ड मालिकल किसके होंगे सबसे सबसे ऑर्डर्ड मालिकल्स क्रिस्टल के होते हैं उसके बाद सॉलिड के होते हैं उसके बाद लिक्विड का और गैस के मालिकुल सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होते हैं तो गैस की एंट्रॉपी सबसे ज्यादा हो गई उसके बाद लिक्विड की और सबसे कम एंट्रॉपी होती है क्रिस्टल की जिसके मालिकूल जितना ही डिसऑर्डर्ड हैं उसकी इंट्रॉपी उतना ही ज्यादा उतना ही ज़्यादा होती है जिसकी मालिकल्स जितना ही ऑर्डर है उसकी इंट्रॉपी उतनी ही कम होगी तो हम यदि एस की बात करेंगे ये तीनों में तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी एंट्रॉपी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आप बोल सकते हैं ये एंट्रोपी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंट्रॉपी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम एंट्रोपी किसकी होती है बच्चों क्रिस्टल की होती है उसके बाद सॉलिड की और सबसे ज़्यादा एंट्रापी गैस की होती है क्योंकि गैस के मालिकुल सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्ड डिस होते हैं और किसी भी सिस्टम को यदि टेम्परेचर देते हैं टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो उसकी एंट्रापी बढ़ती है क्यों क्यों क्योंकि यदि टेम्परेचर हम सिस्टम को सप्लाई करें या हीट सॉरी हीट सिस्टम को सप्लाई करें और टेम्परेचर सिस्टम का रेज हो तो उसके मालिकुल का डिसऑर्डरनेस भी बढ़ेगा तो आप लिखें एंट्रोपी इंक्रीजेज विथ एंट्रोपी इंक्रीजेज विथ विथ द राइज ऑफ टेंपरेचर. टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है एंड वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा. यदि टेंपरेचर हम कम कर रहे हैं तो एंट्रोपी घटेगी तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डी एस इज इक्वल टू डी एच अपॉन टी What is what is the DSC change in entropy? T constant temperature hai and D is amount of amount of heat supplied to the system ya amount of heat taken from the system. तो यदि किसी भी system को इतना heat आप supply कर रहे हैं तो उसकी entropy बढ़ जाएगी कितनी entropy बढ़ जाएगी बच्चों? D S DSC का दो D H by T at constant temperature. Okay? तो इसको आ याद रखेंगे दिस इज चेंज इन एन एंड व्हाट इज डी एच दिस इज द हीट सप्लाईड टू द सिस्टम या हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ओके अब देखो <coughs> अब हमारे पास आता है यहीं पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड लॉफ थर्मोडाइनामिक्स में यह बात आपको ध्यान रख, रखना चाहिए कि क्योंकि फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनामिक्स का लिमिटेशन था कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा यहाँ उस समस्या को सेकंड लॉफ थर्मोडाइनामिक दूर कर दिया और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉफ थर्मोडाइनमिक्स ओनली दोज प्रोसेस विल टेक प्लेस ओनली दोज प्रोसेस विल टेक प्लेस फॉर विच फार विच एंट्रॉपी इधर इंक्रीजेज इधर इंक्रीजेज आर रिमेन कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट केवल वही प्रोसेस होगा जिसके लिए एंट्रापी या तो बढ़े या कम से कम कांस्टेंट हो दैट इज चेंज इन इन ट्रॉफी बढ़ेगा तो चेंज इन ट्रॉफी की बात क्या होगी ट्रेंड चेंज इन इन या तो ग्रेटर देन एंट्रॉपी बढ़ गया तो चेंज इन एन जीरो से अधिक होगी या यदि एन ट्रॉपी कॉन्स्टेंट है तो ये चेंज इन एन जीरो होगा तो इस प्रोसेस को जिसमें कि एन बढ़ रही है हम इसको बोलते हैं इ प्रोसेस इर रिवर्स इर रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस तो दो तरह के प्रोसेस हो गए प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस देखो वो प्रोसेस नहीं होगा जिसके लिए एंट्रॉपी घट रही हो द प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस फॉर विच एंट्रोपी डिक्रीजेज जिस बात को भी लिखिए द प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस Will not take place, for which, for which entropy, for which entropy decreases, जिसके लिए एंट्रोपी घट रही होगी वो प्रोसेस को नहीं होना है वो प्रोसेस नहीं होता है यदि आपको वीडियो कट रहा होगा तो बात को सुन लीजिए द प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस फॉर विच एनट्रॉपी डिक्रीज वो प्रोसेस होना ही नहीं है जिसके लिए एंट्रॉपी घट रही है केवल वही प्रोसेस होगा जिसके लिए एंट्रॉपी बढ़ेगी दैट इज चेंज इन एंट्रॉपी इज ग्रेटर दैन जीरो या वो प्रोसेस होगा जिसके लिए एंट्रॉपी कॉन्स्टेंट रहेगी दैट इज चेंज इन एंट्रॉपी इज इक्वल टू जीरो यदि एंट्रॉपी बढ़ रही है दैट इज चेंज इन एंट्रॉपी इज ग्रेटर दैन जीरो तो उसको इ प्रोसेस बोलेंगे और इंट्रॉपी यदि कॉन्स्टेंट है दैट इज चेंज इन इंट्रॉपी जीरो है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज वॉट दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस ओके नाउ देर आर टू पार्ट्स ऑफ सेकेंड लॉफ थर्मोडाइनामिक्स टू पार्ट्स ऑफ टू पार्ट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स थर्मोडाइनामिक्स के दो पार्ट हैं एक को बोलते हैं हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट केल्विन प्लंक स्टेटमेंट क्या है बच्चों केल्विन प्लक स्टेटमेंट क्या है इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस हम समझा देंगे पहले लिखिए इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस इस डिवाइस को हम यहाँ पर हीट इंजन बोलते हैं हीट इंजन बोल रहे हैं इट इज कंस्ट्रक्ट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच हैजिच हैज़ सोल इफेक्ट सोल इफेक्ट का मतलब अकेले विच हैज़ सोल इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रैक्टिंग एक्स्ट्रैक्टिंग heat from source extracting heat from source extracting heat from source and do equivalent amount of heat equivalent amount of equivalent amount of work okay इट इज इम्पॉसिबल टू सुन लीजिए ध्यान से इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस उस डिवाइस को हम बोलेंगे हीट इंजन ब्रैकेट में आप हमने हीट इंजन लिखा हुआ है विच हैज सोल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेक्टिंग हीट फ्राम सोर्स एंड डू इकोवलेंट अमाउंट ऑफ वर्क सोर्स ये हाई टेम्परेचर पर होता है फ्राम सोर्स एट हाई टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर एंड डू इकोवलेंट अमाउंट ऑफ वर्क कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है कोई भी हीट इंजन या डिवाइस हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते इसको आप नोट कर लीजिए कोई भी हम डिवाइस ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि अकेले हाई टेम्परेचर से हीट को लेकर के एनर्जी को लेकर के टोटल के टोटल वर्क में चेंज कर दे ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चों ऐसा क्यों नहीं हो सकता जैसे मान लीजिए ये सोर्स है इसी को हम बोलते हैं सोर्स हाई टेम्परेचर पर ये सोर्स है ये मान लीजिए टेम्परेचर T1 है और यहाँ से हम हीट ले कर के इस हीट को टोटल के टोटल वर्क में हम चेंज नहीं कर सकते जैसे मान लीजिए एच वन अमाउंट ऑफ हीट हमने लिया तो इस एच वन अमाउंट ऑफ हीट को हम वर्क में चेंज कन्वर्ट नहीं कर सकते ये ये केल्विन स्टेटमेंट है हाई टेम्परेचर से हीट को लेकर के टोटल के टोटल हीट को हम वर्क में चेंज नहीं कर सकते क्यों यदि ऐसा हुआ मान लीजिए इस सोर्स से यहाँ से यदि हम हीट निकाले तो जब हम हीट निकाल दिए तो यहाँ पर क्या होगी यहाँ एंट्राफी घट जाएगी और आपको मालूम है कि एंट्रॉपी घटनी नहीं चाहिए एंट्रॉपी क्या हो एंट्राफी घटनी नहीं चाहिए सिस्टम का लेकिन कोई भी हीट इंजन यदि हीट ले रहा है सिस्टम से और टोटल हीट को कन्वर्ट कर दे रहा है वर्क में तो यहाँ पर क्या हुआ इंट्रॉपी घट जाएगी लेकिन अब जैसे हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइमिक्स में बताया कि कोई हीट इंजन ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई प्रोसेस ऐसा हो ही नहीं सकता है जिससे कि जो कि जहाँ जिस प्रोसेस में एंट्रॉपी घट रही हो लेकिन यहाँ तो एंट्रॉपी घट घटेगी इसलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं सिंक ये सिंक हो गया ये मान लीजिए टेम्परेचर टी टू पर है तो केल्विन प्लान स्टेटमेंट को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि कोई भी हीट इंजन हाई टेम्परेचर पर हीट को लेता है कुछ वर्क करता है और रिमेनिंग वर्क को लो टेम्परेचर पर रिजेक्ट करता है ये प्रोसेस होगा तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स कैन कैन आल्सो बी स्टेटेड एज इस फिगर को लिख लीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इस फिगर को बना लीजिए और फिगर को बनाने के बाद ये भी आप लिख लीजिएगा यदि एच वन अमाउंट ऑफ हीट लिए तो इसका कुछ पार्ट वर्क खर्च करने में वर्क करने में खर्च हो गया वर्किंग सब्सटेंस में ये वर्किंग सब्सटेंस है यहां पर वर्किंग सब्सटेंस इसको हम बोलते हैं वर्क में खर्च हो गया जो रिमेनिंग हीट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया भैया लो टेम्परेचर पर रिजेक्ट हो गया ओके ये बात रहा तो इस पूरी चीज को आप लिख लीजिए लिखने के बाद आप लिखिए The Kelvin Planck statement can also be stated as hence Kelvin Planck statement can, can be stated as can be stated as a heat engine, a heat engine takes the extract. एक्ट्रैक्स हीट मान लीजिए ये एच वन अमाउंट ऑफ हीट है एट हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर टी वन एट हायर टेम्परेचर फ्रॉम सोर्स जहां से हीट लेता है उसको हम बोलते हैं सोर्स सोर्स क्या होता है जिससे कि हीट लिया जा सके एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सोर्स और सिंक चलिए लिख लीजिए उसके बाद हम बताते हैं कि सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है सोर्स का मतलब हुआ जिससे कि चाहे जितना हीट चाहे आप एक्सट्रैक्ट कर सकें चाहे जितना चाहे आप हीट एक्सट्रैक्ट कर सकें विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर तो हम ये बता रहे थे कैलविन प्लंक स्टेटमेंट को कैसे हम लिख सकते हैं एट हीट इंजन एक्सट्रैक्ट हीट एच वन एट हायर टेम्परेचर फ्रॉम सोर्स डू सम वर्क कुछ वर्क करता है डू सम वर्क मान लीजिए डब्ल्यू है एंड रिमेनिंग एमाउंट एंड रिमेनिंग एमाउंट ऑफ हिट जो हिट बच गया मान लीजिए ये एज टू है इज रिजेक्टेड इज रिजेक्टेड टू द सिंक सिंक क्या हो गया भाई सिंक एट at lower temperature, at lower temperature T2. High temperature se से हम ko को लेते हैं high temperature se से हम ko को लेते हैं कुछ वर्क किया जाता है हीट इंजन हाई टेम्परेचर से हीट को लेता है कुछ वर्क करता है और जो अमाउंट जो हीट बच गया है उसको लो टेम्परेचर पर रिजेक्ट करता है इसका मतलब दो टेम्प किसी भी हीट इंजन को वर्क करने के लिए दो टेम्परेचर हमको चाहिए जैसे ये एच वन हो गया कुछ पार्ट वर्क किया और कुछ रिजेक्ट कर दिया लो टेम्परेचर पर इसको आप लिख लीजिए इसका मतलब किसी भी हीट इंजन को वर्क करने के लिए दो टेम्परेचर चाहिए एक हायर टेम्परेचर और एक लोयर टे, लोअर टेम्परेचर <coughs> तो यहाँ से इस बात को यदि और ऐसा होगा सुनिए देखिए और यदि ये प्रोसेस हो रहा है मान लीजिए कि हायर टेम्परेचर पर हम सोर्स से हायर टेम्परेचर पर हम हीट को ले रहे हैं तो यहाँ एंट्रोपी घटेगी यहाँ एंट्रोपी क्या होगी घटेगी क्योंकि हीट लिया जा रहा है और लो टेम्परेचर पर हीट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो इस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी जैसा कि हमने बताया था फार्मूला डी एस इज्कल टू डी एच अपान टी वन डी एस अपान डी एच अपान टी टू यहाँ पर इतनी एंट्रोपी घट गई क्योंकि हीट आप लिए हुए हैं और यहाँ पर इतनी एंट्रोपी बढ़ गई लेकिन चूंकि T2 कम है T1 से तो बढ़ने का इंट्रॉपी यहां पर घटने के रेस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ी है तो टोटल सिस्टम की इंट्रॉपी बढ़ी इसलिए यह प्रोसेस होगा हाई प्रोसेस पर एनर्जी लिया जाएगा कुछ वर्क होगा और रिमेनिंग हीट को हम लो टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर देंगे हम का मतलब हीट इंजन रिजेक्ट करता है तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या केल्विन स्टेटमेंट केल्विन स्टेटमेंट में इसका केल्विन स्टेटमेंट को एक बार से फिर से समझ लीजिए कि कोई भी हीट इंजन सिंगल टेम्परेचर पर काम नहीं करता है दो टेम्परेचर चाहिए दो दो टेम्परेचर चाहिए टी वन और टी टू दो टेम्परेचर चाहिए मान लीजिए ये टेम्परेचर नहीं है जीरो तो हीट इंजन काम ही नहीं करेगा यदि ये नहीं है ये टेम्परेचर नहीं है कोई भी हीट इंजन केवल हमारे पास एक ही टेम्परेचर है ये टेम्परेचर नहीं तो कोई हीट इंजन काम नहीं करेगा तो इसलिए हम ये भी पहुंच सकते हैं कि इस टेम्परेचर को हम दिस टेम्परेचर या जीरो केल्विन टेम्परेचर इज अनएटेनेबल टेम्परेचर हम जीरो केल्विन टेम्परेचर पा ही नहीं सकते यहाँ पर इस बात को भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जीरो केल्विन टेम्परेचर इज अनएटेनेबल टेम्परेचर ओके नाउ क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है उसियस स्टेटमेंट सेकेंड ऑफ थर्मोडाइन के दो पार्ट हैं। एक को केल्विन स्टेटमेंट बोलते हैं दूसरे को क्लाउसियस स्टेटमेंट बोलते हैं क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या है देखो बच्चों मान लीजिए लो टेम्परेचर है यहां पर और ये लो टेम्परेचर इसको हम सिंक बोल रहे हैं टी टू और यहां सोर्स है ये टी वन कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है कि जो कि लो टेम्परेचर से हीट को ले और हाई टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट कर दे विदाउट एड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी लो टेम्परेचर से हीट को लेकर के हाई टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है विदाउट एड ऑफ़ एक्सटर्नल एजेंसी बाहर से जब तक वर्क नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि लो टेम्परेचर से हीट को ले और हाई टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट कर दे जैसे रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है रेफ्रिजरेटर के केस में रेफ्रिजरेशन का, का काम क्या है ये लोट अंदर से हीट को लेकर के लो टेम्परेचर से हीट को लेकर के हाई टेम्परेचर में को रिजेक्ट करता है अंदर से हीट को लिया और हाई टेम्परेचर पर रिजेक्ट किया तो लेकिन ये ऐसा तभी होगा जबकि बिजली रहेगी स्विच ऑन रहेगा यदि बिजली नहीं रहा तो कूलिंग नहीं होगी तो आप लिखिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ये पहले बना लीजिए It is impossible to construct a device. Yeah, it is impossible to transfer heat. It is impossible to transfer heat at low temperature. Transfer heat at low temperature. It is impossible to transfer heat from sink, sink at low temperature. लो टेम्परेचर को हम T2 से लिख लिख रहे हैं टू सोर्स एट हाई टेम्परेचर T1 वन विदाउट विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी जब से जब तक जब तक बाहर से विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी जब से जैसे कि स्विच जब तक ऑन न करें जब तक बिजली ऑन न रहे बिजली न रहे तब तक लो टेम्परेचर से हीट को लेकर के हाई टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है तो दिस इज क्लाउसियस स्टेटमेंट ओके बच्चों इसका डायग्राम हम बता दिए थे <laughs> इसका जो डायग्राम आप बनाए हुए थे ये हाई टेम्परेचर था यहाँ पर टीवन था ये वर्किंग सब्सटेंस है यहाँ पर ये वर्क किए यहाँ से H2 टू अमाउंट ऑफ हीट लिए वर्क किए और रिमेनिंग रिमेनिंग अमाउंट को हाई टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर दिए तो यहाँ पर क्या हुआ ये H2 टू प्लस डब्लू एच टू प्लस डब्लू इज इक्वल टू एच वन इस फार्मूला को यहाँ पर याद रखिएगा H2 और W मिल करके H1 हो गया <coughs> नाउ आफ्टर दैट कॉर्नट्स इंजन ना कॉर्नट्स हीट इंजन इसको जरा देखिए ये क्या है कॉर्नट्स हीट इंजन कॉर्नट्स हीट इंजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो बच्चों मान लीजिए कि कोई हीट इंजन है और यहाँ पर ये यह सोर्स है ये हम बता रहे हैं आपको देखिए ये सोर्स सोर्स क्या होता है जिससे चाहे आप जितना चाहें हीट ले सकें जितना चाहें हीट ले सकें एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर देखिए ये इंसुलेटर है इंसुलेटिंग पैड इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग पैड ये इंसुलेटर है मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता यहां पर इसको क्या बोलते हैं देखो बच्चों ये है सिंक सिंक का मतलब हुआ जिस ऐसा सिस्टम जिसको चाहे जितना भी चाहे हीट हम रिजेक्ट कर सकें विदाउट चेंज ऑफ हिट्स टेम्परेचर और यहां पर देखो ये वर्किंग सब्सटेंस है ये वर्किंग सब्सटेंस है ये इसको हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस ये जो पार्ट है इसका इंसुलेटेड होता है एक मिनट थोड़ा सा इसको हम नीचे ठीक है ओके okay, कोई बात नहीं ये देखो ये हमारा है इंसुलेटेड ये भी है इंसुलेटेड ये पार्ट है कंडक्टिंग ये कंडक्टिंग पार्ट है और यहां पर ये पिस्टन है ये देखिए ये पिस्टन है ऊपर जो हम रखे हुए हैं ना ये प्रिस्टन है इसको थोड़ा बड़ा बनाइएगा इसको बड़ा बनाइएगा ये वर्किंग सब्सटेंस है यहां पर ये यह जो हम दिखाए हुए हैं इसको थोड़ा बड़ा करिएगा ओके हम ऊपर तक कर दे रहे हैं ये वर्किंग सब्सटेंस है लीजिए वर्किंग सब्सटेंस है ओके वर्किंग सब्सटेंस ये हम बोलते हैं अब देखो हम करते क्या है हम इसका यदि पी डायग्राम ड्रॉ करते हैं अब देखिए पी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं सिस्टम को पहले समझिए अच्छे से सबसे पहले इस वर्किंग सब्सटेंस को हम सोर्स के पास ले जाके रख दिए और उस समय मान लीजिए कि इसका ये पॉइंट ए हम डिनोट कर रहे हैं ये पी वन है ये और ये भी वन है प्रेशर पी वन है और वॉल्यूम भी वन है इस वर्किंग सब्सटेंस को हम यहाँ पर लेके चले गए और प्रेशर को हम रिड्यूस करने लगे प्रेशर को हम पिस्टन को ऊपर उठाने लगे जिससे कि उसका प्रेशर रिड्यूस होने लगा ओके ये इसको हम उठा करके यहाँ पर रख दिए ये कंडक्टिंग है ये सोर्स है इसका मतलब जब हम इसको पिस्टन को ऊपर उठाने लगे कूलिंग होने लगा यहाँ पर इसमें हीट की ज़रूरत हुई तो ये जो हीट का लॉस हुआ वो हीट आसानी से सोर्स से इसमें जा सकता है तो ये सिस्टम क्या हो गया ये आइसोथर्मल सिस्टम हो गया अब आइसोथर्मल सिस्टम हो गया ये यह यहाँ पर देखिए सिस्टम ए से बी तक पहुँच गया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी वन मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पर टी वन है ये पॉइंट बी पर पहुँच गए और यहाँ पर प्रेशर पी टू हो गया वॉल्यूम भी टू हो गया ठीक है फिर यहाँ पर प्रेशर हम रिड्यूस कर रहे हैं देखिए सिमिलरली अब यहाँ से हटा के इसी को हम इंसुलेटिंग पैड पर रख दिए और फिर हम प्रेशर रिड्यूस करने लगे तो जब प्रेशर रिड्यूस करने लगे तो अब फिर कूलिंग हुई लेकिन अब ये इंसुलेटिंग पैड है इसमें इस सिस्टम को कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है तो ये सिस्टम क्या हो गया है एडियाबेटिक हो गया टेम्परेचर इसका चूँकि कूलिंग हो गया हुआ हो रहा है तो टेम्परेचर इसका डाउन हो गया सी पॉइंट पर पहुंच गए ये पी थ्री भी थ्री पॉइंट पर पहुंचे ये पॉइंट सी हो गया और यहाँ पर आते आते कूलिंग हो गया इसका टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों टी टू हो गया मान लीजिए टेम्परेचर इसका क्या हो गया यहाँ पर टी टू हो गया अब फिर इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके गए और यहाँ से यहाँ तक क्लेज करके अब प्रोसेस को रिवर्स किए यानी प्रेशर अब बढ़ाने लगे तो जब प्रेशर जो हम बढ़ाने लगे तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड होगा चूँकि वॉल्यूम कम हुई हीट प्रोड्यूस्ड हुआ तो जो एक्स्ट्रा हीट है वो सोर्स में चला गया तो टेम्परेचर फिर ये क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया पॉइंट सी पर आ गए पॉइंट सी पर आने के बी सी अब यहाँ पर आने के बाद डी पॉइंट पर आने के बाद फिर इसको हम उठाए और फिर इंसुलेटिंग पैड पर फिर प्रेशर उसका बढ़ाए और प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया ए पर यहाँ पर P1 V1 वी वन ये पी टू वी टू ये पी थ्री वी थ्री ये पी फोर ये पी फोर वी फोर हो गया पी फोर वी फोर ओके तो इस डायग्राम को थोड़ा बना लीजिए अच्छे से तो इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा ये हम आपको बता रहे हैं पूरे प्रोसेस में डन देखो बच्चों ए से बी तक का प्रोसेस आइसो थर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन कितना होगा ए से बी तक अभी आप पढ़े हुए हैं एन आर यदि अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एन है तो एन आर टी वन लॉग ई भी टू अपन भी वन ये होता है वर्क डन बी से सी तक बी से सी तक एन आर गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू सिमिलरली क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है सी टू डी तक डब्ल्यू सी टी डू ये आइसोथर्मल प्रोसेस है एन आर टी टू लॉग ई वी फोर अपान वी फोर अपन वी थ्री फिर डी से ए तक एन आर गामा माइनस वन ये देखो ये टी टू से टी वन पर पहुँचे हुए हैं हम तो टी टू माइनस टी वन नाउ वट व टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन कितना हो गया दैट इज ए से बी बी से सी सी से डी प्लस डी से ए तो W इज इक्वल टू अब देखो डब्ल्यू ए बी एन आर टी वन लॉग ई वी टू अपान वी वन देखो डब्ल्यू बी सी और WDA डी ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर WBC बी सी और WDA डी ए कैंसिल आउट हो गया डब्ल्यू सी डी कितना हो गया एन आर टी टू लॉग ई वी फोर अपान भी थ्री ओके दिस विल बी द टोटल वर्क डन ये आप नोट कर लीजिए ये आप नोट कर लिए W इज इक्वल टू एन आर टी वन लॉग ई वी टू अपन वी वन प्लस एन आर टी टू लॉग ई वी फोर अपॉन वी थ्री देखो बच्चों अभी जो हम डायग्राम बनाए हुए थे डायग्राम तो हम मिटा दिए हैं लेकिन आप यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए एक बार और ये ए से बी तक आप गए थे ए से बी तक गए थे हम यहाँ पर पी वन भी वन ये पी टू भी टू यहाँ पी थ्री भी थ्री यहाँ पर पी फोर भी फोर ए बी सी डी तो अब देखो सिंस बी एंड सी आर ऑन सेम सेम एडियाबेटिक सिंस द पॉइंट्स बी एंड सी आर ऑन सेम एडियाबेटिक ऑन सेम एडियाबेटिक आर ऑन सेम एडियाबेटिक ओके ये जो पॉइंट है आर ऑन सेम एडियाबेटिक बी और सी तो यहाँ पर देखिए आप पढ़े हुए हैं ये टी वन टेम्परेचर पर हो रहा है काम और ये टी टू टेम्परेचर पर तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी वन वी टू टू द पावर गामा माइनस वन ये पढ़े हुए हैं और यहाँ पर टी टू वी थ्री का पावर गामा माइनस वन तो दिस एम्प्लाइज वाट इसको क्वेश्चन वन रहने दीजिए ये वन टू थ्री जो भी हो फोर फाइव जो भी आ रहा हो सिमिलरली द पॉइंट ए एंड डी आर ऑन सेम एडियाबेटिक सिमिलरली सिमिलरली पॉइंट्स ए एंड डी आर ऑन सेम एडियाबैटिक सेम एडियाबेटिक तो ए और बी तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे टी वन वन का पावर गामा माइनस वन टी टू भी फोर का पावर गामा माइनस वन तो ये सिक्स हो गया अब डिवाइड कर दीजिए फिफ्थ बाई सिक्स डिवाइडिंग फिफ्थ एंड सिक्स इसको हम मिटा दे रहे हैं डिवाइडिंग फिफ्थ एंड सिक्स डिवाइडिंग फिफ्थ एंड सिक्स डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा टी वन टी वन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वी टू अपान वी वन गामा माइनस वन ये भी थ्री अपान भी फोर गामा माइनस वन तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं भी टू अपान भी वन इज इक्वल टू भी थ्री अपान भी फोर ये बात रहा <coughs> तो दिस डिसम्पलाइज बात दिस इम्पलाइज भी फोर अपान भी थ्री को आप लिख सकते हैं वी वन अपान भी टू ओके तो हेंस ये जो वर्क डन हुआ वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी वन लॉग ई भी टू अपन भी वन अब देखिए अब यहां पर भी फोर अपन भी थ्री को क्या लिखेंगे प्लस एन आर टी टू लॉग ई वी फोर अपन भी थ्री के जगह पर भी वन अपन वी टू हम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आप लिखते हैं तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू एन आर टी वन लॉग ई भी टू अपान भी वन अभी देखिए इसको हम माइनस से भी कर देते हैं यहाँ पर एन आर टी टू तो लॉग ई e, ये भी टू अपान भी वन तो दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू एन आर लॉग ई भी टू अपॉन भी वन ये टी वन माइनस टी टू हो गया तो नाउ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन नाउ इफिशियंसी ऑफ कॉर्नर हीट इंजन इफिशियंसी किसको बोलते हैं एक्चुअली यहां पर पैच आ रहा है तो इसके ऊपर हमको लिख देना था ये, W इज इक्वल टू एन आर लॉग ई भी टू वन टी वन माइनस टी टू ये हो गया इफिशियंसी हुआ इफिशियंसी इफिशियंसी इटा इफिशियंसी क्या होता है भाई कितना वर्क किए और कितना हीट लिए सिस्टम से तो इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू कितना वर्क किए हैं बच्चों यहाँ टी वन माइनस टी टू एन आर लॉग ई वी टू अपान भी वन और कितना हीट लिए थे आप एन आर टी वन लॉग ई वी टू अपान भी वन ये कैंसिल आउट हो गया तो दिस इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन तो वन माइनस टी टू अपान टी वन दिस विल बी द इफिशियंसी ऑफ नॉट हीट इंजन ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपन टी वन वन माइनस टी टू दिस विल बी द इफिशियंसी ऑफ कॉर्नर सेट इंजन ओके और थोड़ा हम इसको आगे बढ़ाते हैं इफिशियंसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं जो इफिशियंसी आप लिखे थे इफिशियंसी का मतलब कितना हिट लिए ऑल्सो इफिशियंसी की जब हमने बात किया तो हमने हमने बताया आपको कि वर्क डन और कितना हीट लिया गया था तो वर्क डन के जगह पर आप क्या लिखेंगे एच वन अमाउंट ऑफ हीट लिए और एच टू रिजेक्ट किए तो वर्क डन एच वन माइनस एच टू एच वन अमाउंट ऑफ हीट लिया गया था सोर्स से और एच टू अमाउंट ऑफ हीट सिंक को रिजेक्ट कर दिया गया था तो वर्क डन एच वन माइनस एच टू अपान एच वन तो दिस इज इक्वल टू वन माइनस एच टू अपन एच वन तो दिस इफिशियंसी को हम ये भी लिख सकते हैं वन माइनस एच टू अपॉन एच वन यहाँ पर इस बात को आप देख लीजिए ये देखिए क्योंकि टी टू इज टी वन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन टी टू टी वन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन टी टू तो ये क्वांटिटी हमेशा एक से अधिक होगी इसलिए इफिशियंसी किसी भी हीट इंजन का एक से अधिक ही होता है या आइडियल हो तो एक हो सकता है एक से ज़्यादा इफिशियंसी नहीं होगी किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी एक से कम होना है किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी एक से कम ही होगी एक से ज़्यादा इफिशियंसी नहीं होगी अब देखो कंपेयरिंग इन दोनों को हम कंपेयर करें मान लीजिए कोई भी इक्वेशन सेवन और ये इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी हो तो कंपेयरिंग ए एंड बी कंपेयरिंग ए एंड बी कंपेयरिंग ए एंड बी वन माइनस एच टू एच वन इज इक्वल टू टू T2 टी वन ये ऐसे हम लिख सकते हैं तो दिस इंप्लाइज एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताए कराएंगे हम तो यहां पर इसका भी यूज होगा ओके okay? तो ये रहा बच्चों कॉर्नट हीट इंजन कोई भी कॉर्नट हीट इंजन है तो उसकी टेम्परेचर <coughs> अब देखिए ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपन टी वन अब देखे थे यहाँ भी देख लीजिए यदि तो टी टू जीरो तो नहीं हो सकता जीरो केल्विन यदि हो इफिशियंसी हमेशा एक से कम होगी या हंड्रेड परसेंट इफिशियंट चूँकि हम जीरो तो पा ही नहीं सकते जीरो केल्विन टेम्परेचर इज अनएटेबल अटेनेबल टेम्परेचर इसलिए कोई भी हीट इंजन 100 परसेंट इफिशियंट नहीं हो, हो सकता यदि हीट इंजन जिस दिन ही, हीट इंजन 100 परसेंट इफिशियंट हो गया उसका मतलब क्या हुआ उस दिन उस दिन हम जीरो केल्विन टेम्परेचर को प्राप्त कर लेंगे लेकिन सिंस जीरो केल्विन टेम्परेचर इज अन एटेबल इसलिए कोई भी हीट इंजन हंड्रेड इफिशियंट नहीं हो सकता और मान लीजिए कि दोनों टेम्परेचर सेम हो गया T2 और T1 तो ये कट करके जीरो हो गया यानी इफिशियंसी ज़ीरो हो गई इसका मतलब कोई भी हीट इंजन सिंगल टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकता चलिए देखो बच्चों एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लिख लीजिए थोड़ा तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा के हम आपको बंद कर दे रहे हैं छोटा सा प्रॉब्लम है आप लिखिए एक कॉर्नट हीट इंजन एब्जॉर्ब्स एक कॉर्नट्स हीट इंजिन एब्जॉर्ब वन थाउजेंड जूल ऑफ हीट फ्रॉम फ्रॉम ए सोर्स इसको रिजर्वायर भी बोलते हैं सोर्स एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड इतने टेम्परेचर पर इतना हीट एब्जॉर्ब किया and reject and rejects six hundred joule of heat of heat during 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 each cycle during each cycle calculate calculate एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एफिशिएंसी बताइए दूसरा टेम्परेचर ऑफ द सिंक टेम्परेचर ऑफ द सिंक का टेम्परेचर बताइए तीसरा द अमाउंट ऑफ द यूजफुल वर्क उाइल अमाउंट ऑफ द यूजफुल वर्क द अमाउंट ऑफ द यूजफुल वर्क डन ड्यूरिंग ड्यूरिंग इच साइकिल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन हीट इंजन की इफिशियंसी हमको जाननी है ओके okay? ठीक है बच्चों देखो हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होगा ये आपके पास फार्मूला है इफिशियंसी हीट इंजन के लिए पहले तो टी और टी देख लीजिए इफिशियंसी के लिए तो आपको बताया गया है इफिशियंसी क्या होगी इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपन कितना हीट लिए तो वर्क डन दैट इज एच वन माइनस एच टू अपन एच वन कितना हीट लिया वन थाउजेंड जूल कितना रिजेक्ट किया सिक्स हंड्रेड वन थाउजेंड इसको सॉल्व कर देंगे तो जीरो पॉइंट फोर हीट इंजन की इफिशियंसी है जीरो पॉइंट फोर या फोर्टी परसेंट दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या था टेम्परेचर ऑफ द सिंक इसको आप नोट कर लीजिए टेम्परेचर ऑफ द सिंक फर्स्ट हो गया सेकंड देखिए सेकंड इसी में सेकंड पार्ट टेम्परेचर ऑफ द सिंक तो आपको टी वन दिया हुआ है वन कितना है 127 प्लस 273 आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ध्यान रहे है. तो सात दिन दस सात दिन दस फोर हंड्रेड हो गया है, ये टीवन टी टू पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ द सिंक सिंक का टेम्परेचर टी टू होता है द टेम्परेचर तो, तो ये हमको ये फॉर्मूला एच वन हैं एच टू इज इक्वल टू टी वन अपन टी टू तो एच वन कितना है वन थाउजेंड एच टू क्या है सिक्स हंड्रेड टी वन क्या है फोर हंड्रेड और टी टू कैंसिल आउट हो गया ना तो टी टू कितना हो गया बच्चों ये T2 हो गया यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो T2 600 सिक्स हंड्रेड इंटू ना तो 240 हो जाएगा ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 240 हंड्रेड ये टेम्परेचर हो गया ना तीसरा पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का अमाउंट ऑफ वर्क डन थर्ड पार्ट देख लीजिए अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन तो वर्क डन W इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू सिंपल एच वन क्या है 1000 थाउजेंड जूल हीट लिया गया टेम्परेचर और कितना रिजेक्ट किया गया 600 तो वर्क डन कितना होगा 400 हंड्रेड जूल तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन तो इस ढंग से हम इक्टमेरिकल्स भी करा लिए आज हमने क्या क्या पढ़ाया आपको आज हमने बताया लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लाफ थर्मोडाइनमिक्स ओके और एन का कंसेप्ट हमने दिया सेकेंड लाफ थर्मो डाइनमिक्स हमने बताया आपको और कार्नेट्स हीट इंजन बनाया बताया इफ़िशेंसी आप कॉर्नट हीट इंजन और एक नूमेरिकल्स प्रॉब्लम कराया कल हम रेफ्रिजरेशन कराएंगे रेफ्रिजरेटर और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और कराएंगे ये होमवर्क आपका होगा कि आप कुछ और एन से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कॉर्नट्स हीट इंजन पर बनाइए कम से कम दस टू न्यूमेरिकल ओके थैंक यू